ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और घुटना दर्द एक ऐसी समस्या है जिसे ठीक करना हम सबका कर्तव्य है, सामाजिक दायित्व है। और घुटना दर्द से परेशान लोगों को जीवन में बहुत सारे तकलीफों को झेलना पड़ता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। करना क्या है कि चौकी पर लेट जाना, लेट जाइए लेटने के बाद ये जो बायां पैर है आपका, इसको मोड़ दीजिए, ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा। इस पैर को इस घुटने के बराबर उठाना है यहाँ से, और अपने सहारे इसको वहीं पर रोक के रखना है, पूरा तान के रखेंगे, इसको आगे की तरफ ले जाएंगे। सांस भरा हुआ है, 10 सेकंड रोकना है, 1 2 3, यहाँ दिखाएंगे कितनी दूरी है, थोड़ा हल्का ऊपर उठाएंगे, ठीक, 3 4, आप देख सकते हैं कि ये जो घुटना है दोनों घुटना बराबर है, इतने पर रोक के रखना है 10 सेकंड, फिर धीरे से इसको वापस करना है नीचे की तरफ, धीरे धीरे, फिर उठाएंगे 5 बार करेंगे इसको, 1 2 3 4, टाइट करना है इसको, जोर से खींचना है। तो ये कटोरी है, इसके ऊपर के मसल्स इसके नीचे के मसल्स में खिंचा होगा आपका, जब इसको टाइट करेंगे पैर को खींचेंगे तो जंघाओं पर, यानी ये जो कटोरी देख रहे हैं घुटना का, इसके ऊपर और इसके नीचे में खिंचा हो रहा है, वही खिंचाव घुटने के दर्द को आपको धीरे धीरे ठीक कर देगा। यह क्रिया आपको एक बार में 10 बार करना है, फिर धीरे से इसको वापस कर देते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेंगे। हर एक अभ्यास के बाद आपको कम से कम 10 से 15 सेकंड तक विराम लेना है, फिर इसको एक बार उठाइए, दोनों घुटना को बराबर रखना है, ये देख सकते हैं, किसी चीज को, समतल चीज को यहां रख करके और इसकी दूरी को, ऊंचाई को नाप लीजिएगा, तो ये बराबर होना चाहिए एक दूसरे के, ठीक बराबर, और रोक करके तलवे को आगे की तरफ खींचना है और घुटने के पास संकुचन पैदा करना है आपको, 10 बार आपको गिनना है, सांस को रोक के करना है, एक एक पैसा, फिर इसको वापस करना है। अब दोनों पैरों को पसार दीजिए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए, पैर सटा लीजिए। अब क्या करना है आपको, एक पैर को सीधे उठाना है बिना मोड़े हुए, सीधा उठाएंगे, पकड़ लीजिए इसको हाथों से, दोनों हाथ से पूरा खींचेंगे, पूरा खींचना है, गर्दन को नहीं उठाना है, एक पैर यहाँ पर दबा के रखना है, उठे नहीं है, और ये घुटना के पास ये मुड़ाव नहीं होना चाहिए, और खींचिए, बहुत सुंदर, बस खींचिए, होल्ड करके रखना है इसको 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर धीरा कर लेंगे इसको, थोड़ा वापस आ जाएंगे, थोड़ा विश्राम ले लेंगे, फिर इसको उठाएंगे पैर, फिर पकड़ना है, एक पैर को दबा के रखना है यहाँ पर, उठे नहीं, और घुटना को टाइट करते हुए, केवनी को मोड़ते हुए उसे माथे की तरफ ले जाएंगे पैर, 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर इसको छोड़ दीजिए। इस क्रिया को आपको 5 से 10 बार करना है। आप दोनों पैरों को सटा दीजिए एक साथ में, थोड़ा सा विश्राम कर लेना है। विश्राम करने के बाद क्या करना है कि ये पैर को बांधना है, दुपट्टा थोड़ा देंगे, घुटना दर्द होने पर देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये गैप हो जाता है, घुटना के पास गैप
ये इंडली के पास गए, दिखाई थोड़ा नजदीक से, ये इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए, इस दूरी को कम करना है। तो ये क्यों हो गया है? घुटना दर्द के कारण हो गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस दुपट्टे को अंदर से घुसा करके यहाँ पर, जहाँ पर ज्यादा गैप है वहां पर इसको हम बांधेंगे, कस खींचना है और सटाएंगे इसको। देखिए इस प्रकार से बांधना है इसको जोर से, जोर से इसको बांध लेना है। और बांधने के बाद क्या करना है कि दोनों पैरों को एक साथ उठाना है ऊपर की तरफ, और पैर को पकड़ के और पूरा इसको दबाना है अपनी तरफ, कमर को नहीं उठने देना है और माथा को भी नहीं उठने देना है। केवनी को मोड़ते हुए और पैर को अपने माथे की तरफ ले जाइए, झुकाइए, ले जाइए, दबाइए। इस क्रिया को आप देख सकते हैं, ये ध्यान रखना है कि ये जो घुटना है यहाँ पर मुड़ाव नहीं हो, ये पूरा एकदम सीधा हो। और ले जाइए नीचे की तरफ, तानी इसमें 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और पुनः फिर धीरे धीरे इसे जमीन की तरफ ले आए। इस क्रिया को 10 बार करना है। अब धीरे से आप बाएं करवट होके बैठ जाए, बाएं करवट होके बैठ जाना है और पैर को नीचे आगे लटका दीजिए, दोनों पैरों को लटका देना है और एक साथ दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है, हथेली के पास भार देते पूरा तानेंगे और 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर नीचे की तरफ ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर थोड़ा नीचे ले जाएंगे। यदि घुटना में ज्यादा दर्द हो तो घुटने के नीचे स्टूल लगा देना इस प्रकार से, लेकिन नीचे मोड़ना ठीक नहीं होता है घुटना दर्द में तेजी हो तो। अब इसके ऊपर उठाइए, अब इसके ऊपर जितना उठ रहा है उठाइए, यहीं पर होल्ड करना है। सभी सीधा रखेंगे, अब देख सकते हैं मैंने चौकी के बराबर एक स्टूल लगा दिया है और यहाँ से 2 से 3 इंच की ऊंचाई पर एड़ी को उठाना है। अब यहाँ पर लाभ कहाँ हो रहा है, खिंचाव कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है घुटने के ऊपर और घुटने के नीचे खिंचाव हो रहा है, ढीला कर देंगे, फिर उठाएंगे, 10 सेकेंड रोकेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रख दीजिए, ताकत लग रहा होगा, फिर उठाएंगे इसको 10 बार करना है इसी क्रिया को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रोक देंगे। अब स्टील को, स्टूल को धीरे से हटा देंगे और पैर को नीचे की तरफ मोड़ेंगे। अब धीरे धीरे इसको उठाइए, 1, 2, 3, 4, 5 फिर नीचे लाएंगे, फिर उठाएंगे, फिर नीचे लाएंगे। अब नीचे मोड़ने में कोई दर्द नहीं है घुटना में? यदि घुटना में दर्द नहीं हो तो इसको थोड़ा अंदर की तरफ ले जाना है, थोड़ा नजदीक से दिखाना होगा और थोड़ा आगे आ जाइए। जैसे जैसे घुटना में दर्द कम होता जाएगा इसको अंदर की तरफ मोड़ना है, शरीर सीधा रखना है, जमीन को छोड़ाइए, फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। जैसे जैसे घुटना में दर्द कम होता जाएगा नीचे की तरफ मुड़ाव बढ़ता जाएगा, यहाँ पर खिंचाव बढ़ता चला जाएगा। यदि घुटना में दर्द है तो पीछे की तरफ नहीं ले जाना है या बहुत नीचे नहीं मोड़ना है, उसको इतना ही पे रखना है या स्टूल लगा करके अभ्यास करना है। अंदर ले जाएंगे,
इसे 10 बार कम से कम करना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको फोड़ देना है। अब खोलने के बाद इसमें एक पैर पकड़िए, इसको यहाँ फंसाते हैं, यहाँ पर फंसाएंगे और उठाना नहीं, इसको चौकी के बराबर ही रह करके अपनी ओर खींचना है इसको, और थोड़ा यहाँ लगाइए दुपट्टे को, ठीक बीच में लगाते हैं यहाँ पर, और अपनी ओर खींचना है इसको जोर से, पूरा ताकत के साथ खींचेंगे 10 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नीचे कर देंगे, फिर उठाएंगे और जोर से इसको खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। सावधानी रखना है कि केहनी को नहीं मोड़ना है और घुटना को नहीं मोड़ना है, पूरा खींचना है अपनी तरफ, 10 सेकंड रोकना है, फिर धीरे धीरे इसको छोड़ देना है। आज मैंने आपको कुछ पीठ के बल लेट करके, कुछ बैठ के करने वाले हमने आपको अभ्यास बताया है, और ये अभ्यास आप यदि करते हैं रोज तो घुटना दर्द धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और जब घुटना दर्द कम हो जाएगा तो आप एक मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं और दौड़ना कूदना चलना सब आसानी से आप कर सकते हैं। अब थोड़ा चल के थोड़ा दिखा दीजिए, तेजी से चलिए। अब ये इतना लाभ है इनको कि ये पहले तेजी से और थोड़ा आगे तक चले जाए, लंबा उसके बाद तक, पहले ये तेजी से चल नहीं पाती थी, लेकिन अब लंबा लंबा पैर रखते हैं, लंबा लंबा इस प्रकार से चलकर भी आराम से आप कर सकते हैं। आपने देखा किस प्रकार से ठीक महसूस कर रहे हैं, तो एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।